एक बाई इलेक्शन हो रहा है, उस बाई इलेक्शन के इलेक्शन का चुनाव सिर्फ समाजवादियों ने ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव कर दिया है। अब इसी में आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत बढ़ी है। शिवपाल जी आप पर आजकल बहुत अटैक कर रहे हैं। देखिए शिवपाल जी बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, धरातल के नेता हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। जब अन्याय हुआ तो शिवपाल जी बेचारे छोड़ करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए, लेकिन वो अपनी पार्टी हजारों लोग सपा से नाराज लोग उनके साथ गए। नाराजगी के बाद फिर उन्होंने देखा कि ये पार्टी नहीं चला पाएंगे, तो फिर वो सपा में विलय कर गए और सपा के सिंबल से चुनाव लड़ गए। इंडिया गठबंधन के लोगों का आरोप है कि एनडीए लगातार उनके गठबंधन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तमाम ऐसी जो है षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जो उनका गठबंधन टूट जाए। एक तो नहीं तोड़े गए, एक बताइए जो टूटा हो, उनका एक भी तो नहीं तोड़ा गया। हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के दुख और सुख में हम लोग काम करते हैं। गरीबों के उत्थान की जो योजनाएं बन रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उन योजनाओं को धरातल पर चल पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। से मिलकर के डीजी क्राइम से मौत टीम यहाँ भेजवा देंगे, अपराधी पकड़ा जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। राजभर जी, विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ थे और आगामी जो है लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कि आपका कद पहले से घटा है या बढ़ा है एनडीए के साथ होने पर? अब आप खुद महसूस कर सकते हैं, अभी पूरे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में